नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ कोलकाता, और आज ये 19वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। शनिवार की दोपहर का यह वक्त जानबूझकर चुना गया था। कारण यह था कि अव्वल तो आसपास रहने वाले सारे लड़के शुक्रवार की रात को ही घर के लिए निकल जाते थे, और दोयम यह कि आज कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट कल्चरल प्रोग्राम था, जिस कारण हॉस्टल के बचे हुए लड़के प्रोग्राम में गए हुए थे। इसीलिए हॉस्टल बिल्कुल वीरान पड़ा था। सिद्धार्थ किसी और वीराने में भटकने को सुबह ही निकल गया था, और रवि ने पिछले 2-3 दिनों से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। अलावा इसके उस दोपहर हॉस्टल पूरी तरह साए साए कर रहा था। इस दोपहरी में एक कार हॉस्टल के बाहर आकर रुकी। कार से बाबा मूसा बाहर निकला। उसे पहनने के लिए हॉस्टल के सबसे मोटे लड़के का वह पैंट और शर्ट दिया गया था, जो कल रात ही लड़के के कमरे से छुड़ाया गया था। शर्ट इस कदर चुस्त और पेट पर अटकी हुई थी, मानो थोड़ी और छोटी होती तो ब्लाउज से मिलान हो जाता, और पेंट इस दर्जा तंग जैसे टांगों के साथ ही आई हो। चेतन गेट पर ही उसके इंतजार में खड़ा था, और रुद्र कॉरिडोर में, ताकि यदि कोई बाहर की ओर से आता तो उसे किसी तरह बातों में लगा लिया जाता। मगर कोई बाधा नहीं आई। चेतन और मूसा बाबा रुद्र तक पहुंच गए। अपना झोला लिए मूसा पीछे पीछे चला, उसके आगे आगे रुद्र और चेतन। अभी वह लोग कमरे के बाहर पहुंचे भी नहीं थे कि बाबा रुक गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनके चेहरे से ऐसे भाव आ रहे थे जैसे उन्हें हॉस्टल में घुसते ही काया की मौजूदगी का भान हुआ है। कोई आहट, कोई गंध, कोई खटका, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ थे। मगर वह परेशानी किसी पिशाच की नहीं बल्कि पेशाब की थी। उन्हें भूत का नहीं, मौत का अंदेशा हुआ था। वो परेशानी जो काफी देर तक पेशाब रोकने पर होती है, बाबा की पैंट ने उनके पेट का हिस्सा काफी कस दिया था, इसीलिए संभवतः बाबा परेशान थे। रुद्र चुकी आगे था, इसीलिए उन्होंने उससे ही कहा, बच्चा ये बेतुखला किधर है, आए? रुद्र उनकी बात नहीं समझ पाया, वह दरअसल खिंच गया। इस खींच में वह चेतन से मुखातिब होकर बोला, लाली ये उर्दू डिक्शनरी को बोलना कि हिंदी में कुछ बोले, देश तो कब का आजाद हो गया। चेतन को उसकी बात समझकर हंसी तो आ गई, मगर बाबा की स्थिति देखकर चेतन ने बाबा से सप्रेम कहा, बाबा जी बात समझ नहीं आई, एक बार हिंदी में बताइए। चेतन की यह बात सुनकर बाबा, जो पहले परेशानी में थे, अब गुस्से में आ गए। त्योरियां चढ़ाते हुए उन्होंने जहर बुझा जवाब दिया, अंग्रेजी में बताऊं? हाँ, उसमें भी हाथ ठीक ठाक है गई है, चेतन के जगह रुद्र नहीं कहा। रुद्र की बात खत्म होते ही बाबा ने चेतन की ओर देखते हुए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली खड़ी कर दी। चेतन उनका इशारा समझ गया। ओह, टॉयलेट जाना है, चेतन ने उनकी बात समझते हुए कहा। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका अर्थ था कि चेतन उनकी बात सही समझा। चेतन अभी आगे बढ़कर उनको टॉयलेट की ओर ले जाता कि रुद्र फुसफुसाया, लाले इस जज्बात के सलाम को तो भूत देखे बिना ही पेशाब लग गया, भूत देख के ये कहीं गाय गोबर ना कर दे। रुद्र ने अपनी शंका जाहिर की, जिससे चेतन को बेलौस हंसी आ गई, पर उसने होठों को भीतर दबाकर हंसी रोकी। वह बाबा को लेकर बाथरूम ले जाने को बढ़ ही रहा था कि रुद्र ने एक बार फिर उसे कलाई से पकड़कर रोकते हुए फुसफुसाहट भरी आवाज में पूछा, तू भीतर कहां जा रहा है? अब उसको समझाना होगा ना, पहली बार पैंट पहना है, कहीं कुछ फसफसा लिया तो हल्ला करके अल्लाह बुला लेगा, कहते हुए चेतन खुद ही हंस पड़ा, और रुद्र को हंसता छोड़ बाबा की ओर बढ़ गया। बाबा को बाथरूम की ओर ले जाकर
अभी चेतन पैंट के बटन से लेकर जिप तथा यूरिनल का उपयोग समझाने ही वाला था कि बाबा खूंटा तुड़ाए बैल की तरह उत्तेजित हो गए। भीतर कहां चला रहा है बेगैरत? वो बाबा जी पैंट में चेन होता है, इसमें पैजामे की तरह नाड़ा नहीं। चेतन ने भी आधा ही कहा था कि बाबा फिर चिल्लाए, हमें समझाएगा नादान, जब भाग जा यहां से। चेतन मामले की नजाकत को समझता हुआ बाहर निकल आया। बाहर रुद्र उसका इंतजार ही कर रहा था और अब दोनों मिलकर बाबा का इंतजार करने लगे। भीतर बाबा ने जैसे तैसे काफी मशक्कत के बाद पैंट की जेब खोल ली, मगर अब सामने सीध में लगे चार स्टैंडिंग यूरिनल को देखकर उनका सिर चकरा गया। उनकी बूढ़ी बुद्धि यह बात समा नहीं पा रही थी कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता होगा, मगर जैसा कि कहते हैं कि उम्र तो बस एक संख्या है, संख्या के अलावा कुछ नहीं। बाबा को फौरन ही एक युक्ति सूझ गई। उन्होंने पहले यूरिनल के आकार को देखा, फिर अपने तशरीफ का ध्यान किया और अपनी समझदारी की भलाई ली। बकौल के समझ के यूरिनल का आकार इस तरह का बना है कि उस पर बैठकर ही विसर्जन किया जाता होगा। सो बाबा गर्वोकत भाव से उछलकर यूरिनल पर चढ़े और एक चीख के साथ यूरिनल समेत नीचे आ गए। यूरिनल बाबा की तशरीफ समेत जमीन पर ही नहीं आया था, बल्कि अपना कुछ हिस्सा लिए बाबा के तशरीफ में समा भी गया था। चीख बाहर तक गई। चेतन दौड़ता हुआ भीतर आया और जो देख पाया उसका लब्बो लुबाव यह था कि बाबा और यूरिनल का सेरामिक दोनों छितराए हुए थे। सेरामिक को बटोरने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए बाबा को ही बटोरा गया। हंसी और दर्द के बीच की स्थिति में लाज बचाते हुए बाबा उठे और नए जमाने को कोसते हुए बाहर की ओर निकल आए। चोट हालांकि कोई जोरदार नहीं थी, मगर वह सख्ते में जरूर आ गई थी, इतना कि वह यह भी भूल गए थे कि वह बाथरूम किस लिए आए थे। बाहर निकलकर बाबा ठीक ठाक स्थिति में थे और वह फौरन ही अपने झोले में कुछ टटोलने लगे, मगर चेतन ने आज की उनकी स्थिति देखते हुए कहा, बाबा जी कोई दिक्कत हो तो आज रहने दें, किसी और दिन। चेतन की बातों को अनसुना करते हुए बाबा ने अचानक ही अपने होठों पर तर्जनी रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और कुछ सुनने के लिए कान खड़े कर लिए। कोई आवाज तो जरूर थी, ऐसा लगता था जैसे कोई कीड़ा भुनभुना रहा हो। यह भी था कि वह आवाज दूर जाती जा रही थी। बाबा ने अचानक ही लंबी मगर बिना आवाज की सांस भीतर खींची। महसूस हुआ कि वातावरण में कपूर की महक फैल रही थी। बाबा उस महक की ओर इस तरह बढ़ने लगे जैसे वह उस महक को देखकर उसका पीछा कर रहे हों। जिस ओर वह जा रहे थे उधर हॉस्टल का स्टोर रूम था। हॉस्टल के सारे कबाड़ जैसे टूटी कुर्सियां, मेज, पंखे, कूलर इत्यादि उसी में रखे जाते थे। जब वह उधर बढ़े तो चेतन ने उन्हें टोकना चाहा। कारण यह था कि यहां से रवि का कमरा दूर था, लगभग 200 मीटर। इसलिए स्टोर रूम की ओर जाकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था, मगर कुछ तो जरूर था जो बाबा को नजर आ रहा था। इसलिए बाबा ने एक दफा फिर होठों पर तर्जनी रखकर चुप रहने का इशारा किया और धीमे से स्टोर रूम का दरवाजा भीतर की ओर खोल दिया। एक चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। भीतर घुसते ही चेतन और रुद्र के होश पाख्ता हो गए। उन्होंने देखा कि रवि अपने निवस्त्र शरीर पर लड़कियों के अंतः वस्त्र पहनने की कोशिश कर रहा है और मेज के ऊपर टूटी कुर्सी पर खड़ा उस भेस में ही वह टूटी कुर्सी लगाकर पंखे में रस्सी जैसा कुछ बांध रहा है। बाबा को सारी बातें समझ में आ गई थी। वह अपने झोले में से सामान निकालकर तैयारी करने से पहले धीमे से बोले, इसे 2 मिनट बातों में उलझा कर रखो। बाबा के इतना कहते ही पहली कोशिश चेतन ने ही की। उसने रवि को देखते हुए कहा, रवि क्या कर रहा है, उतर नीचे। चेतन के इतना कहते रवि की वशीभूत आंखें उसके चेहरे पर रुक गई। वह मुस्कुराया, खौफनाक मुस्कुराया और फिर ठहरी हुई आवाज में महज 2 शब्द कहे,
भाग जाओ। मर्द औरत के मिश्रित इस स्वर में जो बात कही गई उसका अर्थ था चले जाओ। आवाज इतनी सर्द थी जैसे किसी को गर्दन तक बर्फीले पानी में खड़ा कर बोलने को कहा गया हो। बाबा कुछ सोचते हुए हुनहुनाए। क्या हुआ बाबा? चेतन ने व्यग्रता से पूछा। कोई औरत जाती है, कहते हुए बाबा के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने हड़प्पा की लिपि पढ़ ली हो। यह तो पहले से ही ज्ञात था, मगर इससे पहले कि चेतन या रुद्र बाबा के इस अहमकाना नतीजे पर कोई प्रतिक्रिया देते, बाबा ने स्वयं ही मुश्किल आसान कर दी। सुनो, तुम दोनों बाहर जाओ और बाहर से दरवाजा लगा दो। मैं इसको वश में करके ही बाहर निकलूंगा। मैंने जान लिया है कि यह सारी कलाओं में निपुण है और आवाज बदल भी सकती है। इसीलिए हो सकता है कि जब मैं इस पर मारक मंत्र फेंकूं तो ये मेरी ही आवाज बदलकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करे, तुम्हें ठगने की कोशिश करे। इसीलिए चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए दरवाजा मत खोलना। मगर बाबा, चेतन ने कुछ पूछना चाहा। मगर बट परंतु लेकिन जैसे मनहूस लफ्ज बीच में मत लाओ, जैसा कहता हूं वैसा करो, बाबा ने एक सांस में गुस्से से कहा। कहकर बाबा रवि की ओर मुड़ गए। चेतन और रुद्र बाहर आ गए। बाहर आते ही चेतन ने बाहर से कुंडी लगा दी और वहीं खड़े हो गए। आखिर वहां रहना भी कौन चाहता था? रवि की हरकतें और उसके चेहरे पर नाश्ता तृण भाव दोनों को और भी भयभीत ही कर रहा था। सो दोनों चुपके से बाहर निकल आए और सामने के गलियारे में ही खड़े हो गए। स्टोर के दरवाजे से सटकर खड़ा ही नहीं रहा जा सकता था। फिर भी मन भीतर कमरे में हो रही क्रियाओं पर ही लगा था, क्योंकि रवि आत्महत्या जैसा भी कुछ सोच रहा था। इसीलिए बाबा ही अब एकमात्र सहारा थे। दोनों अभी असमंजस की स्थिति में गलियारे में टहल ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा कि लकड़ी के उस हरे दरवाजे से किसी का शरीर टकराया। चेतन को लगा कि बाबा जी ने भूत को पटक दिया है और मारक भूत के भूस भर रहे हैं। अभी दोनों इस सोच पर खुश हो ही रहे थे कि भीतर से आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो। आवाज बाबा की थी और बहुत मार्मिक थी, मगर बहुत संभव था कि यह बाबा की बोल ना, क्योंकि बाबा ने ही चेताया था कि यह काया आवाज बदल लेती है। सो यह खुशी की ही बात थी कि बाबा ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। गिड़गिड़ाहट अब की बार मार्मिक से कारुणिक हो गई। बेटा मैं ही हूं, दरवाजा पेस्तर खोल। धड़ाम की एक और आवाज ऐसी आई जैसे लगा कि पीठ पर कुर्सियां बजी हो। दोनों को इस काया की गिड़गिड़ाहट अच्छी लग रही थी। वह अभी मारे खुशी के ताली ही पीट देते कि आवाज अब रुवासी हो गया। अरे ना शुक्रो, लाश ही निकालोगे क्या? जल्दी खोलो वरना ये मुझे। और तब दोनों को पहली बार ये लगा कि कहीं सच में दांव उल्टा ना पड़ गया हो और भीतर बाबा की ही सिकाई ना चल रही हो। दोनों भी सोच की उस अवस्था में किंग कर्तव्य मूड से खड़े ही थे कि आवाज बंद हो गई। आवाज की जगह चीखने ले ली और वह दरवाजा हमेशा भीतर की तरफ खुलता था। आज पहली दफा अपने दोनों पल्ले और बाबा समेत बाहर की तरफ। बाबा हवा में कलाबाजियां खाते हुए ठीक किसी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुए हवाई जहाज की तरह गलियारे में ही आ गए। रुद्र और चेतन अभी कुछ समझ पाते इससे पहले बाबा उठे और तीर की तेजी से भागते हुए चिल्लाए, ना शुक्रो, यह पहले बताना था इसे कहां से ले आए हो। यह नैना जोगिन है, मेरे बाप के भी बस में नहीं आने की। नैना जोगिन? रुद्र और चेतन स्तब्ध थे और समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वही भूत ही गुनगुनाहट सुनाई दी। My heart.
खाते दास खाए हम ते पतरा यही खून सर्द कर देने वाली गीत गाते और हाथ से स्वेटर बुनने का स्वांग करते हुए रवि लड़कियों की सी चाल चलता अपने कमरे की ओर बढ़ चला। उसके कमरे का दरवाजा फिर बंद हो गया। अच्छी बात बस ये रही कि हॉस्टल की शांति और कल्चरल फेस्ट के कारण बाबा का अध्याय दब गया। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी बाज। धन्यवाद।